नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। एमएस एक्सेल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे राउंड फंक्शन। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर सीखते हैं राउंड फंक्शन। तो दोस्तों, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राउंड फंक्शन होता क्या है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको मैं ले रहा हूँ दोस्तों, किसी को भी आप गुड्स, कोई भी आप आइटम परचेज करते हैं दोस्तों, तो उसका कीमत अगर मैंने यहाँ पर लिखा आर एस पॉइंट 10, यानी कि 10 रुपया पॉइंट 49 पैसा, ठीक है दोस्तों। कोई और मैंने लिया प्रोडक्ट और उसका कीमत हुआ 10 रुपया 51 पैसा, और एक और मैंने प्रोडक्ट में लिया और उसका कीमत 11 रुपया पॉइंट आपको 99, यानी कि 10 रुपया 49 पैसा, 10 रुपया 51 पैसा और 11 रुपया 99 पैसा। तो इस तरह से अगर आपको मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों, अब इसको देखिए, मैं राउंड फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि राउंड फंक्शन काम क्या है, कैसे करती है। जैसे इस कोई भी गुड्स है, इसका कीमत 10 रुपया 49 पैसा है। कोई भी गुड्स है 10 रुपया 51 पैसा है और 11 रुपये 99 पैसा। तो करता क्या है राउंड फंक्शन, अगर 50 से नीचे होगा तो राउंड फंक्शन, ये आपको जो दो को इधर देख रहे हैं, इस जीरो को मैनेज करने के काम करता है। यानी कि पॉइंट के बाद जो डबल जो जीरो आता है, एक आता है या दो आता है, कोई भी अंक आता है, इसको मैनेज करने के काम आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी गुड्स का, किसी प्रोडक्ट का, किसी आइटम का कीमत है 10 रुपया 49 पैसा, तो राउंड फंक्शन क्या करेगा, इसको सिर्फ 10 रुपया ही कर देगा, यानी कि 2 को 49 वाला को आपको हटा देगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी का आर एस 10 रुपया 51 पैसा रहेगा, तो उसका कीमत वो 11 रुपया कर देगा। यानी कि 50 से लेकर ऊपर जितना भी अंक रहेगा डॉट के बाद, उसको इसमें जोड़ देगा, यानी कि 10 रुपये से 11 रुपये कर देगा। और 11 रुपये 99 पैसा है ही, तो ये तो 12 रुपये कर देगा। 50 से नीचे रहेगा वो आपको प्लस नहीं करेगा, यानी कि 10 रुपये का 10 रुपये हो जाएगा। और 50 से लेकर ऊपर में जितना भी अंक रहेगा, तो उसको क्या करेगा, उसको जोड़ देगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, इसको 11 रुपये कर दिया और इसको 12 रुपये कर देगा। तो अब आप देखिए ये कैसे होता है ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब यहां पर आइए, गुना करना है। तो देखिए, हम राउंड फंक्शन से कैसे करते हैं। यहां पर लिखना है राउंड राउंड, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, यहाँ पर कोमा लगाएंगे और शून्य लगा देंगे। अब देखिएगा रिजल्ट क्या आता है, से देखिएगा रिजल्ट। यहाँ पर देखिए, इसको कर दिया डबल जीरो, ठीक है, यानी कि जीरो की हटा दिया। अगर हम राउंड फंक्शन नहीं लगाते हैं, तब देखिए क्या करता है। अगर राउंड फंक्शन नहीं लगा के हम उसको गुना करते हैं, तो देखिए ओपन ब्रैकेट, इसमें इस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं और रेट इतना, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पड़ी 5, यहाँ पड़ी देखिए आपको आ गया, ठीक है, 50। राउंड फंक्शन क्या करता है, वो जीरो का मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को किस तरह से करना है गुना, RUND राउंड, ओपन ब्रैकेट, इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोमा लगा के शून्य लगा के ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए मैनेज कर दिया और इसको नीचे इस तरह से खींच देंगे। ये जीरो का आपको हमेशा मैनेज कर देता है, ये जीरो का अंक कोई भी 1, 2, 3 ये आपको आता नहीं है। अगर 50 रुपया 50 पैसा से ऊपर होगा, 50 से लेकर ऊपर होगा, तो उसमें प्लस कर देगा, और 50 से नीचे होगा तो जितना है अमाउंट उतना ही कर देगा, ठीक है दोस्तों।
और इसको आपको जीरो को आप हटा सकते हैं, यहाँ से आपको इस जीरो के यहाँ से आपको माइनस 10 से भी आप कर सकते हैं, ये समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए कि राउंड ऑफ फंक्शन, राउंड ऑफ फंक्शन क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर राउंड फंक्शन, अब राउंड डाउन फंक्शन क्या करता, वो डाउन में लेके ही चलता है, ठीक है, और अब क्या करता है, ऊपर में लेके चलता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 10 पॉइंट, देखिएगा 10.130 है, और यहाँ पर 10 पॉइंट, और यहाँ पर इतना है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमको एक तरह से जोड़ रहे हैं, जोड़ के आपको दिखलाते हैं राउंड फंक्शन से, राउंड ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे राउंड अप फंक्शन का उपयोग करते हैं। अप फंक्शन क्या करता है, अब आप देखिए राउंड अप, और यहाँ पर मैं क्लिक किया, प्लस किया, इसको क्लिक किया, कोमा 0, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए किया क्या, अगर हमने इसको जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने जोड़ रहा, ठीक है, 10 रुपया.30 पैसा और 10 रुपया.45 पैसा, तीनों जोड़ के कितना रिजल्ट आया, 21 रुपये। यानी कि आपको मैंने बताया था कि अप मतलब ऊपर में ही लेके जाता है, क्योंकि हमने अप का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है दोस्तों, ऊपर में लेके, यानी कि 21 रुपये ये कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पर हमने इसको डाउन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब हम लोग देख लेते हैं राउंड डाउन का, तो राउंड डाउन क्या करता है, वो नीचे में लेके आता है, ये ऊपर में, अब क्या है, ऊपर में लेके जाता था। तो मानिए कि इस पर हम लोग लिखे राउंड, ठीक है ना, तो राउंड डाउन हम लोग यहाँ से ले लिए, और इसको हम आपकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किए, और सुन और एंटर प्रेस किए, तो देख लीजिए किसी प्रकार से आप गुना कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। यही है राउंड डाउन का फंक्शन का उपयोग होता है। राउंड डाउन फंक्शन का लिए आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।